नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। अलीगढ़ बढ़ते कोरोना के चलते शादी विवाह के लिए ली जा रही अनुमति लोगों को सता रहा। मना करने पर रिश्तेदारी टूटने का डर शहर में देखने को मिल रही है भारी भीड़। कोरोना के बढ़े प्रकोप को लेकर सरकार ने शादी समारोह में 100 से अधिक मेहमानों पर रोक लगा दी है। इससे सबसे ज्यादा परेशान वह लोग हैं जिनके घरों में शादी है और वह 100 से अधिक लोगों को कार्ड दे चुके हैं। पहले संख्या 200 थी, जिसको घटाकर अब सरकार ने 100 कर दिया है और ऊपर से प्रशासनिक अनुमति लेना भी आवश्यक कर दिया है। अब लोग परेशान हैं जिन्होंने लोगों को शादी का निमंत्रण दे दिया है और 100 से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। अब वो किस किस को मना करें? ऐसे में अगर पुराने रिश्तेदारों को शादी में आने के लिए मना करें तो इससे रिश्तेदारी टूटने का भी डर बना हुआ है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बेकाबू होते हालात को देखते हुए यूपी सरकार ने आसपास के जिलों में संख्या बढ़ा दी है। कई जगह अब शादियों व अन्य समारोह में 100 से ज्यादा मेहमानों के शामिल होने पर रोक लगा दी है। अब तक यह संख्या 200 थी। अलीगढ़ में भी शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 100 कर दी गई है। साथ ही दिल्ली से लगने वाले जो बॉर्डर है उस पर हर आने वालों की सैंपलिंग भी हो रही है। सरकार ने शादी समारोह आयोजन करने वाले लोगों के लिए प्रशासनिक अनुमति लेना आवश्यक कर दिया है, इसलिए अब अनुमति लेने वाले लोगों की भीड़ प्रशासनिक ऑफिस में टूट पड़ी है। वहीं बाजारों में भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। वहां 2 गज की दूरी का मखौल उड़ाया जा रहा है। बाजारों में भी काफी भीड़ देखने को मिल रही है। दरअसल जैसे ही सर्दी बढ़ी, दिल्ली में कोरोना मरीज की संख्या में काफी तेजी से इजाफा होने लगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दिल्ली में तेजी से बढ़ते हुए कोरोना मरीजों को मद्देनजर रखते हुए यूपी में भी दिल्ली से लगने वाले सीमावर्ती जिलों में संख्या बढ़ा दी है। अब दिल्ली से लगने वाले बॉर्डर पर कोविड की चेकिंग हो रही है। वहीं सरकार ने शादी समारोह में 100 से अधिक मेहमानों पर भी रोक लगा दी है। इससे सबसे ज्यादा परेशान वह लोग हैं जिनके घरों में शादी है और वह 100 से अधिक लोगों को कार्ड दे चुके हैं, क्योंकि पहले संख्या 200 थी, जिसको घटाकर सरकार ने अब 100 कर दिया है और ऊपर से प्रशासनिक अनुमति भी लेना आवश्यक कर दिया है। अब लोग परेशान हैं क्योंकि लोगों को आमंत्रण दे दिया गया है और 100 से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। अब वो किस किस को मना करें? अलीगढ़ के प्रशासनिक कार्यालय पर शादी समारोह आयोजन करने वाले लोगों की अनुमति के लिए भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। जल्दी से जल्दी हर कोई अनुमति लेना चाहता है। उधर सरकार द्वारा मेहमानों की संख्या 100 तक सीमित किए जाने पर लोग भी काफी नाराज हैं। कलेक्ट्रेस अनुमति लेने आए भानु प्रताप सिंह ने बताया कि हम परमिशन लेने आए हैं और यहाँ काफी दिक्कत हो रही है। पहले 200 आदमियों की परमिशन थी और हमने कार्ड बंटवा दिए हैं, अब तो 100 की परमिशन कर दी गई है। अब किसको आप मना करेंगे? और इससे लोग नाराज होंगे। हमने भी अपनी समस्या अधिकारियों को बताई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा है। रिश्तेदारों को अब किस को मना करेंगे कि वह लोग ना आए? हमने 200 से ज्यादा आदमियों को खाने का ऑर्डर कैटर को ऑर्डर दे दिए हैं, लेकिन अब 100 से संख्या में नियंत्रित करना है तो अब वह सब बेकार जाएगा। प्रताप सिंह, जिलाधिकारी और परमिशन लेने आया और यहाँ बड़ी दिक्कत हो रही है। जब तो कार्ड 200 आदमी की परमिशन थी, कार्ड वगैरह बंटवा दिए, अब जाके 100 आदमी की परमिशन है। अब कहाँ कहाँ किस किस को मना जाए? अब पुराने रिश्तेदारी उनको मना की जाए तो रिश्तेदारी टूटती है। बड़ी बड़ी दिक्कतें आती हैं, हर तरह परेशानी, भगा दौड़ी पर लगे हुए हैं। हमने बताया अधिकारियों, हाँ बताया, कहा जाए उसका समाधान किया जाएगा। क्या जाएगा, अब क्या किया जाए बता? 100 आदमी को कैसे समाधान किया? क्या क्या परेशानी सामने आएगी? अरे क्यों, रिश्तेदारों किन किन को मनाया जाएगा? थाने से भी आएंगे, सब जगह से आएंगे। खाने पीने की दिक्कत होगी, सब तरह की परेशानी रहेगी। आपने कैटर को कितने लोग खाने के लिए बोला था? कैटर के लिए फिलहाल तो हमने 200-250 आदमी के लिए, अब 100 का कहाँ से? अब वो भी पैसे पूरी लेगा, उसका कहाँ से? वो तो खाना बचेगा वो आ जाएगा, वो तो पूरा बना के देगा अपना, पूरा एडवांस वगैरह सब कुछ पहुँच चुका है। मनी यादव ने बताया कि शादी की अनुमति के दिन अनुमति के लिए काफी देर से हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। 2 दिन पहले योगी सरकार का तुल्लगी फरमान आया है कि 100 से ज्यादा आप नहीं गैदरिंग कर सकते हैं। उस परिस्थिति में हम सब लोगों को निमंत्रण दे चुके हैं, अब ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो कैसे उनको मना करेंगे? और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और काफी देर बाद परमिशन मिल पा रही है।
मेरा नाम हनी यादव है, मैं सासनी गेट क्षेत्र का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पर एक मेरे पड़ोस में एक लड़की है जिसके माता पिता नहीं है, उसके शादी के लिए परमिशन लेने आया था और मैं काफ़ी टाइम एक घंटे से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ लगातार। और साथ में ही जब अभी दो दिन पहले योगी सरकार का तुगलकी फरमान आता है कि 100 लोगों से ज़्यादा आप नहीं गैदरिंग कर सकते, अब इस परिस्थिति में यहाँ सब लोगों को निमंत्रण जा चुका है, 300 से 400 लोगों की गैदरिंग होगी और उसके बाद में कैटर्स और सारी समस्याएं, तो हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और ऊपर से यहाँ पर 2-2 घंटे हमें परमिशन के लिए खड़ा होना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। कहाँ पे आए हो? सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ पर। परेशानी होगी जब आपने 300-400 लोगों की व्यवस्था कर रखी थी तो बिल्कुल परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सरकार की अगर वो है तो हम कम से कम कोशिश करेंगे कि सरकार खाने की बिल्कुल वेस्टिंग होगी और जितने भी रिश्तेदार हैं उनसे कोई मना भी नहीं कर सकता कि आप लोग नहीं आ सकते यहाँ पर, तो ये सारी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अलीगढ़ के जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि अलीगढ़ में अभी तक जो स्थिति है उसके हिसाब से हमारे यहाँ जो केस है वह 50 से कम आ रहे हैं। हम प्रतिदिन 3000 लोगों को कोविड परीक्षण कर रहे हैं क्योंकि हमने होम आइसोलेशन की सुविधा भी फिलहाल खत्म कर दी है। अस्पताल में पर्याप्त सुविधा है, विशेष परिस्थितियों में ही होम आइसोलेशन की सुविधा दी जा रही है और हमने दिल्ली से आने वाले लोगों के लिए 2 पॉइंट पर चेक पोस्ट बनाया है, यह गभाना का टोल प्लाजा पर और दूसरा जेवर टोल प्लाजा पर, जहां पर हर व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है। बाजारों में भीड़ का सवाल है क्योंकि शादियों का सीजन है इसलिए भीड़ ज़्यादा है, फिर भी हमने मजिस्ट्रेटों को बैंक्वेट हॉल और होटल के लोगों के साथ मीटिंग कर सरकार की जो पॉलिसी है उसके बारे में आगाह करने को कहा है। 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो, यह सरकार की गाइडलाइन है, उसको सभी मजिस्ट्रेट को पालन कराने के लिए कहा गया है। खबर जगत के लिए अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। अलीगढ़ में किस तरह की सतर्कता बरती जा रही बाजारों में भीड़? देखिए, अलीगढ़ में अभी तक जो स्थिति है उसके हिसाब से हमारे केसेस 50 से कम ही आ रहे हैं, जबकि प्रतिदिन हम लगभग 3000 लोगों का वो कर रहे हैं चेकिंग। तो और चूँकि हमने होम आइसोलेशन की सुविधा, हमारे अस्पताल में पर्याप्त जगह है, तो होम आइसोलेशन मैंने बहुत ही विशेष परिस्थितियों में अलाउ किया है और ज़्यादातर मामलों में हम होम आइसोलेशन वो नहीं करते हैं। तो इस तरह से एक तो 100% कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और जो फैसिलिटी एलोकेशन में हम सरकारी सुविधाओं का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, होम आइसोलेशन को हम कोशिश करते हैं डिस्करेज करने की, इस वजह से हमारे यहाँ उस तरह की स्थिति नहीं है। लेकिन एहतियातन हमने दिल्ली से जो आने वाले NCR से आने वाले लोग हैं उनके 2 पॉइंट बनाए हैं, एक गभाना में और एक जो जेवर टोल प्लाजा है उसके नीचे उतरने के बाद वहाँ पर हम उनका परीक्षण कर रहे हैं। कल भी परीक्षण हुआ है और आज भी हुआ है। आज हमने सारी निगरानी समितियों को दोबारा से सक्रिय किया है कि गांव में अगर कोई बाहर से आया है तो उसमें निगाह रखें और जो बाहर से आने वालों की सूची बना करके उनका भी जल्दी से जल्दी उनका परीक्षण करा दें। बाजार में जो भीड़ देखने को मिली उसके लिए कुछ? बाजार में थोड़ा शादियों का मौसम है, भीड़ है, लेकिन हमने आज सारे मजिस्ट्रेट्स को कहा है कि जितने भी मैरिज हॉल और जितने भी होटल के लोग हैं उनकी बैठक कर लें और उनको जो शासन की जो एडवाइजरी है उसके हिसाब से ही परमिशन जारी हो रही है। शादियों की परमिशन भी हम लोग जारी कर रहे हैं, 100 की संख्या दी गई है उसी के हिसाब से कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट जाकर के देख भी रहे हैं और लोगों को हम कोशिश यही कर रहे हैं कि लोग जो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट का है उसको फॉलो करें।